बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, हमने सफ़र नंबर 39 की बुलंद खानी मुकम्मल की थी। अब हम सफ़र नंबर 40 से करारदाद मकार से सन 1949 की बुलंद खानी शुरू करते हैं। पाकिस्तान के आइनी इर्तका की तारीख में करारदाद मकासद एक इंतहाई अहम दस्तावेज़ और आइन साजी में बुनियादी कदम है। उसे 12 मार्च सन 1949 को मंजूर किया गया। इस करारदाद में इस्लाम को पाकिस्तान की असास करार दिया गया। इस करारदाद दे मकासद में कहा गया कि तमाम इख्तियारात और इक्तदार आला का मालिक अल्लाह ताला है। जमहूरियत, आज़ादी, मसावात और माशरती इंसाफ के वह सुनहरे उसूल व तसव्वुरात जो इस्लाम ने पेश किए हैं नाफिज किए जाएंगे ताकि लोग अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के उसूल के मुताबिक ढाल सकें। इस्लामी तसव्वुरात के नफाज पर इसलिए इसरार किया गया कि क्योंकि जदोजहद पाकिस्तान का मकसद ही ये था कि बरसगीर के मुस्लिम अवाम को एक ऐसी रियासत मिल जाए जहां वो अपने दीन और मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए यह इंतहाई ज़रूरी था कि इस्लाम को हुकूमत और रियासती पॉलिसी की बुनियाद बनाया जाए। करारदाद मकासद सन 1949 के नुमाया खदोखार। नंबर एक, इस करारदाद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक और मुक्तदिर आला अल्लाह ताला है। इक्तदार मुसलमानों के पास अल्लाह की अमानत है और इस इक्तदार को इस्लाम की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल किया जाएगा जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। नंबर दो, इस्लाम के पेश करदा जमहूरियत, मसावात और अदल इज्तमाही माशरती अदल के उसूल और तसव्वुरात मुल्क में नाफिज किए जाएंगे। नंबर तीन, मुसलमानों को अपनी इंफरादी और इज्तमाही ज़िंदगियां कुरान मजीद और सुन्नत में पेश करदा उसूलों के मुताबिक गुजारने के लिए बेहतर और मुनासिब माहौल फराहम किया जाएगा। नंबर चार, तमाम अकलियतों के हुकूक का तहफ़ किया जाएगा, उनको अपने अपने मजाहिब की पैरवी करने और अपनी सकाफत को फ़रोग देने के लिए पूरी आज़ादी होगी। नंबर पाँच, पाकिस्तान एक वफाकी रियासत होगा, आइन में मुतय्यन करदा हदूद के अंदर रहते हुए तमाम सूबों को खुद मुख्तारी हासिल होगी। नंबर छः, अवाम के बुनियादी हकूक और अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा। करारदाद मकासद की मंजूर के बाद पहली दस्तूर साज असम्बली ने आइन साजी का काम शुरू कर दिया। दस्तूर साज असम्बली ने कई कमेटियाँ तश्कील दी। इस मौजू पर तफसीली मुताले और गहरे गौर व खोज के बाद इन कमेटियों ने अपनी सिफारिशात रिपोर्ट की सूरत में दस्तूर साज असम्बली को पेश कर दी, लेकिन ये सिफारिशात शर्मिंदा ताबिर ना हो सकें बल्कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 14 अक्टूबर सन 1954 को दस्तूर साज असम्बली को ही तोड़ डाला। बस इस दस्तूर साज असम्बली की 7 साल की उम्र सन 1947 ता सन 1954 के दौरान मुल्क के लिए आयन नहीं बनाया जा सका। इसकी वजूहात में सियासी बहरानों, अदम इस्तेकाम और सियासी जमातों की इक्तदार के लिए जंग शामिल है। प्यारे बच्चों, हमने सन 1949 करारदाद मकासद की नुमाया खदोखाल की बुलंद खानी मुकम्मल की। अब हम अपनी अगली वीडियो में नंबर 3 पॉइंट को सन 1956 के आयन के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।